हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब लोग। और एक नई ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है दिन संडे का, आज मैं छुट्टी, आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। बच्चे सब उठ चुके हैं, गुड्डू भी उठ गया है, अपने गेम खेल रहा है और बाहर चल रही है साफ सफाई, कुछ शॉपिंग हो रही है। यहाँ ये लोग सूट वगैरह ले रहे हैं। और आज का दिन कुछ खास है, खास इसलिए है कि आज हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, गेस्ट कौन आने वाले हैं। आज जो मेरी सिस्टर है वो आने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि भात के बाद जो सिस्टर होती है वो कुछ गिफ्ट लेके आती है बच्चों के लिए। और आज गुड्डू के लिए कुछ आएगा, कि गुड्डू क्या आएगा लेंगे कुछ पता नहीं है इनको, वो क्या लेके आएगी। और मुझे भी जाना मार्केट, अभी मैं मार्केट होकर आता हूँ और इतने यहाँ साफ सफाई हो जाएगी, फिर आपको मिलाते हैं सबसे। किचन की डीप क्लीनिंग चल रही है और ये भी जो है मार्केट से आ गए हैं। और मैंने भी कुछ अपना सामान मंगाया था इनसे, मेरे लिए भी लिया जो मैंने मंगाया था, ये सब मेरा ही है। लाओ क्या है सब, मेरे को लाओ लेके चलो, मेरा जाए आराम से लेके चलो, मेरा है, छोड़ दो थोड़ा मैं ये घड़ी लाए, घड़ी तो जी यहाँ हॉल की घड़ी जो है ना ख़राब हो गई थी, तो इसके लिए जो है नई घड़ी ले आए हैं। अभी दिखाना कैसी है, चला जाएगा हाथ तो थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा खिड़की पे जब जाएगा हाथ। हाँ सीधी है, देखिए लगा दी है इस वाले कमरे में। सर्दियों में ना इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि स्किन जो है ना ड्राई रहती है। तो ये वैसलीन का जो है ना मॉइस्चराइज़र मंगाया एक, और एक ये कोल्ड क्रीम लेकर आए हैं, और ये काजल भी ख़त्म हो गया था तो ये लेकर आए हैं, तो ये मंगाया था मैंने इनसे। तो दोस्तों अभी जो है ना 2:30 का टाइम हो गया है और लंच भी हो चुका है, और यहाँ पर जो है कपड़ों की धुलाई चल रही है, तो सारे कपड़े जो है यहाँ निकाल रखे हैं और वहाँ पर जो है ना मशीन लग रही है। और शहरी जो है सुबह शहरी जल्दी उठ गई थी कि आज शहरी की बुआ आएगी, है शहरी, और आज नहीं आ रही है इसकी बुआ आएगी कल। तो जी हमारे में जैसे कि हमने भात दिया था, तो हमारे में ऐसा होता है जब भात देते हैं ना तो जो बहन होती है फिर वो जो है फिरौती लेकर आती है, और उसमें जो है ना बच्चों के कपड़े होते हैं और कुछ गिफ्ट वगैरह होते हैं ये सब होता है, तो वो लेकर आ रही थी दीदी आज, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं वो, तो वो आएंगे कल। तो यहाँ पर आके जो है ना मशीन लगा ली है और कपड़े धुल रहे हैं, और मैंने जो है ना अभी बेड में से एक रजाई निकाली है तो उसका कवर भी निकाला है, तो इसके कवर को जो है ना अभी चढ़ा देती हूँ। तो ये कवर जो है इस वाली रजाई पे जो है ना इस पे चढ़ाऊंगी, और वैसे ये रजाई देखने में जो है ना पतली सी है लेकिन काफ़ी जो है ये गर्म है। और ये वाली रजाई जो है हमने ऑनलाइन मंगाई थी, और 5-6 साल पहले मंगाई थी ये वाली रजाई हमने, और वैसे की वैसी ही काफ़ी अच्छी रजाई है और गर्म रजाई है, ये है ना शहरी, जब शहरी छोटी थी ना तो जब हमने ये वाली रजाई मंगाई थी शहरी के लिए, है शहरी। और ये जो है ना शॉल मेरे धुल चुके हैं, बस अभी जो है इनको बाहर सुखाती हूँ मैं। तो अभी जो है शहरी और शहरी के पापा जो है ना अभी मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, शहरी देख सुबह से काम करवा रही है, कहीं थोड़ा सा हेल्प करेंगे। शहरी क्यों कर रही है? नहीं मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, देख ले। कोई बात नहीं, वो तो आप रोज करते हो। रोज करता हूँ, ये तो मना करती है कि मैं नहीं करता। आप, मैं कुछ नहीं कर सकती। तू कुछ नहीं कर सकती, अब सेंटा आएगा, सेंटा करेगा। देख सारे कपड़े मैंने धोए हैं, देख ले जितने कपड़े मैंने धोए हैं सारे, देख रही है। मैं तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता शहरी, किससे बोलूं? अपनी मम्मी से बोल दो, सेंटा से बोल दो, सेंटा से बोल दो, सेंटा से बोल दो। तो जी ये करते हैं मजाक, इनकी बातों को वो मत लिया करो। और अभी ये मेरी करेंगे हेल्प, और ये रजाई का कवर जो है ना मेरे साथ चढ़वाएंगे, क्योंकि रजाई जो है काफ़ी बड़ी रजाई है। पापा अरे मैं नाश्ते की वीडियो बनाऊंगी,
तो जी डबल बेड की रजाई है ना, इसलिए कवर चढ़ाने पे जो है इसमें एक जने की सहायता चाहिए होती है, तो इन्होंने जो है ना सहायता दे दी है मेरे को। लेकिन जो है इसकी कवर की जो है ना चेन खराब हो गई है, और ऐसे कवर की जो है चेन जो है ना जल्दी खराब हो जाती है, तो इसमें जो है ना मैं सुई से जो है इसमें इधर टाके लगा दूंगी, और जब इसको धोना होगा ना तब ये टाके खोल लूंगी। तो जी इस रजाई को रख देते हैं यहाँ, और बस अब यहाँ की क्लीनिंग करके जो है ना चलते हैं नीचे। तो जी मेरे को अपनी ये वाली साड़ी भी ठीक करवानी है, और जी देखिए जी शहरी यहाँ पर जो है ना हमारे लिए चाय भी लेकर आ गई है। अपने पापा और मेरे लिए लेकर आई है, अपने लिए लेकर नहीं आई? किसने बनाई चाय? आपने बनाई है? लो जी चाय पी लो, आपकी बेटी ने जो है ना चाय बनाई है, आ जाओ। तो जी कपड़े भी जो है ना धुल चुके हैं, और कपड़े धुलने के बाद जो सारा सर्फ बचा था ना उसके अंदर जो है हमने सारे पायदान और जो दरी है ना वो सब डाल दिए हैं। दोस्तों शाम के बज रहे 7 और यहाँ हो रही रात खाने की तैयारी, और आज बन रहा मिक्स वेज। मिक्स वेज के साथ मेरे साथ तुम और बना देना पराठे, हैं? मैं तो पराठे खाऊंगा, बच्चों से पूछना रोटी खाएंगे या पराठे खाएंगे। हुक्म, थोड़े चावल ही बना लेना। तो जी यहाँ पर ना मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और सरसों का तेल डाल के सबसे पहले मैंने उसमें आलू फ्राई कर लिए थे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें गोभियाँ डाल रही हूँ, और आलू गोभी दोनों साथ में फ्राई करूँगी, और फ्राई करके बनाती हूँ ना तो काफ़ी टेस्टी लगती है। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिए थे सारे मसाले, हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर ये सब डाल दिया था, और हल्का सा जो है ना मैंने गर्म मसाला भी डाल दिया था, और बस सब्ज़ी को जो अब ढक कर पकाऊँगी थोड़ी देर। तेरी पिटाई करने आ रहा है, देख आ रहा है तेरी पिटाई करने के लिए। हाँ क्या चाहिए? अब चल रहा है, अब चल बाहर, क्या चाहिए? अरे बाहर चल रहा है, कहाँ पर जाना है? बाहर। ओरे ओरे इसलिए बिठाया मैंने इसके लगते हैं जी, पैर से भी हाथ से बाहर लग। तो जी यहाँ पर जो है ना आरव आ गया है, और शायरी की जो है ना इसने कर दी है पिटाई, और कल जो है आरव क्या बनेगा भाई? सेंटा। सेंटा बनेगा, और सेंटा वाली ड्रेस जो है ना आ चुकी है इसकी। तो जी बहुत लोगों ने जो है ना कमेंट करके हमसे पूछा था कि ये आपके घर में जो छोटा सा बेबी है कौन है, तो ये बेबी जो है ना जो हमारे देवर देवरानी जी हैं उनका छोटा सा बेबी है, उसका नाम है आरव। आरव इधर देखो, कहाँ देख रहा है ये? आरव इधर देखो, चटनी बना देता है। चटनी क्या चाहिए? बाहर चलो आरव। और ये है ना शहरी के पास से इनके पास जाने के लिए कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि घुमाएंगे इसे बाहर है। बाहर घूमने जा रहे हैं, पहले सबको जय कर दो। बाहर हो रही ठंड, इसे ओढ़ ले पहले। पहले सबको जय कर दो, जय जय करवाओ इसे। आ रहा सबको जय कर दो। अरे बाहर लेके चलेंगे, जय नहीं सुनेगा।